हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। मैं हूं एमजे। फ्रेंड्स, आज की वीडियो एक बहुत ही सुंदर और कॉमन प्लांट के ऊपर है, और वो प्लांट है फ्रेंड्स हमारे विंकास। विंकास फ्रेंड्स, समर सीज़न में इन्होंने बहुत ही अच्छी ग्रोथ की थी। बीच में मॉनसून स्टार्ट हो चुके थे, तो मॉनसून की सीज़न में ये बहुत ही ख़राब हो चुके थे। तो मॉनसून की सीज़न से लेके अभी तक मैंने ये विंका को छोड़ दिया था, यानी कि इसके पीछे फ्रेंड्स मैंने कुछ भी ध्यान नहीं दिया। पानी भी ठीक से नहीं दिया, फर्टिलाइज़र कभी मैंने दिया ही नहीं इसको, और ये प्लांट पूरे मॉनसून इन्होंने निकाले। और अभी फ्रेंड्स जो सीज़न है, ये सीज़न में ये बहुत ही अच्छे ग्रोथ करेंगे। लेकिन ये सीज़न में फ्रेंड्स बहुत ही अच्छी ग्रोथ लाने के लिए हमें कुछ चीज़ों का ध्यान देना होगा, जिसकी वजह से आपका कुछ ये कंडीशन का पौधा कुछ ये कंडीशन में चेंज हो जाएगा। जैसे कि देख रहे हैं, ये जो प्लांट है इसके ऊपर बहुत सारे फ्लावर्स लगे हुए हैं, तो आपके विंका के ऊपर भी कुछ ये हिसाब से फ्लावर्स लगेंगे। तो उसके लिए फ्रेंड्स हमें ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये वन ऑफ द बहुत ही ईजी गोइंग प्लांट है। आप ये प्लांट को जैसे ही भी फ्रेंड्स ट्रीट कर लो, ये प्लांट बहुत ही अच्छी तरह ग्रोथ कर लेगा। तो सबसे पहले फ्रेंड्स हमें ये प्लांट की जो सॉइल है उसको चेक करना है, जो भी वीड्स वगैरह इसके ऊपर लगे हुए हैं वो सारे वीड्स हमें हटा देने हैं। दूसरी चीज़ करनी है, जो भी डेड ब्रांचेस हो, ये कुछ जो डेड प्लांट है जो इसके अंदर लगा हुआ है, तो ये प्लांट को फ्रेंड्स मैं हटा दूंगा। तो इतनी चीज़ें करने के बाद अभी हम अपने प्लांट्स के ऊपर काम करेंगे। जैसे कि देख रहे हैं फ्रेंड्स, मेरे प्लांट के ऊपर की साइड फ्लावरिंग्स आ रहे हैं, लेकिन नीचे वाला जो हिस्सा है वो खाली है। तो अभी फ्रेंड्स ये प्लांट को हम प्रून कर लेंगे। बहुत ही ईजी प्रूनिंग है, रोजेस की तरह बहुत कॉम्प्लिकेटेड प्लांट बिल्कुल भी नहीं है। तो सबसे पहले फ्रेंड्स ये प्लांट को हम हार्ड प्रून करेंगे। हार्ड प्रून मतलब एकदम नीचे से मैं प्रून कर लूँगा, जैसे कि यहाँ से ये जो देख रहे हैं, ये सारी मैं यहाँ से ये प्लांट को मैंने कट कर लिया है। ये प्लांट की मैंने हार्ड प्रूनिंग कर ली है, ब्रांच भी हमें हटा देने हैं। तो इतने लीव्स रहने दूंगा, क्योंकि ये सीधा स्टेम के जो स्टेम है स्टेम एरिया के ऊपर से निकल रहे हैं। सबसे फ्रेंड्स मैं अपने जो विंका है उसके ऊपर हार्ड प्रूनिंग कर लूँगा। हार्ड प्रूनिंग करने के बाद फ्रेंड्स ये प्लांट के ऊपर से बहुत सारी न्यू शूट्स और न्यू ब्रांचेस निकलना स्टार्ट हो जाएगी। तो ये चीज़ सबसे पहले हमने करनी है। अब दूसरी चीज़ फ्रेंड्स, हमें अपने प्लांट की सॉइल चेक करनी है। अगर आपके प्लांट की सॉइल मॉइस्ट हो तो बाद में पानी बिल्कुल भी मत दीजिए, लेकिन अगर आपके प्लांट की सॉइल ड्राई हो तब हमें थोड़ा थोड़ा पानी देना है। अबाउट 150-200 ml जितना पानी हमें 8 इंच के गमले में डालना है। विंका को ग्रो करना है फ्रेंड्स अच्छी तरह, और इसके ऊपर मैक्सिमम फ्लावर्स लाने हैं। तो इसके अंदर तब तक पानी मत डालिए जब तक इसके लीव्स डाउन नहीं हो जाते, या तो थोड़े थोड़े कर्ल नहीं हो जाते। अगर आपने कुछ ये हिसाब से प्लांट के ऊपर हार्ड प्रूनिंग की है, तो हार्ड प्रूनिंग करने के बाद हमें एकदम से ये प्लांट को पानी नहीं देना है। इसकी सॉइल को फुल्ली ड्राई होने दीजिए। जब इसकी सॉइल फुल्ली ड्राई और कड़क हो जाए तब हमें इसके अंदर थोड़ा थोड़ा पानी डालना है, 150 ml 200 ml जितना पानी डालना है। और वो भी फ्रेंड्स थोड़े दिन के गैप में, 4 दिन का गैप ले लीजिए, 3 दिन का गैप ले लीजिए, क्योंकि ये प्लांट को ज़्यादा पानी की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं होती, तो आप इसको ज़्यादा पानी मत दीजिए। तो इतनी चीज़ें हमें करनी है। अभी हमें बिल्कुल भी इसको फर्टिलाइज़र नहीं देना है, और बस हमें ये प्लांट के ऊपर फिर से न्यू शूट्स डेवलप करने के लिए राह देखनी है। कुछ दिनों के बाद जैसे ही आपका जो प्लांट है वो न्यू शूट्स निकालना स्टार्ट कर ले, तब हमें इसको बहुत ही सिंपल तरीके से फर्टिलाइज़ करना होगा। अब फ्रेंड्स ये जो प्लांट देख रहे हो, ये प्लांट एक इस्टेब्लिश प्लांट है, लेकिन ट्रीटमेंट मैंने ये प्लांट के पीछे सेम की है, मैं आपको दिखा दूंगा। सबसे पहले फ्रेंड्स मैं ये प्लांट के बॉटम में आपको ले जाऊंगा। यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स, मैंने ये प्लांट को यहाँ से कट कर लिया था। जो हार्ड प्रूनिंग अभी मैंने वो प्लांट के ऊपर की थी, वो हार्ड प्रूनिंग फ्रेंड्स मैंने ये प्लांट के ऊपर कर ली थी। और देखिए यहाँ से सारी न्यू शूट्स डेवलप होना स्टार्ट हो चुकी है। ये सारी नई ब्रांचेस फ्रेंड्स लंबी होके आपको बहुत ही अच्छे और ढेर सारे फ्लावर्स देगा, यानी कि बहुत सारे दूसरे न्यू शूट्स वगैरह डेवलप ये प्लांट करना स्टार्ट कर लेगा हार्ड प्रूनिंग करने की वजह से। और दूसरी चीज़ फ्रेंड्स, हार्ड प्रूनिंग करने के बाद आप अपने प्लांट को फुल सनलाइट में रखिए। कम से कम इसको 5 से 6 घंटे की डायरेक्ट सनलाइट मिलनी चाहिए, तभी जाके ये जो प्लांट है न्यू शूट्स वगैरह डेवलप करना स्टार्ट कर लेगा। अब ये प्लांट के अंदर फ्रेंड्स मैं दूसरी एक चीज़ आपको बताना चाहता हूँ। जैसे कि इसकी सॉइल देख रहे हैं, बहुत ही ज़्यादा ड्राई सॉइल है, लेकिन अभी इसके जो लीव्स है, लीव्स अभी भी खड़े हैं, लीव्स अभी थोड़े से कर्ल भी नहीं हुए हैं और बेंड भी नहीं हुए। अगर इसके लीव्स कर्ल होना स्टार्ट हो जाए या तो थोड़े हल्के हल्के बेंड होना स्टार्ट हो जाए, तभी फ्रेंड्स मैं ये प्लांट के अंदर पानी दूंगा। अननेसेसरी फ्रेंड्स मैं ये प्लांट के अंदर वाटरिंग बिल्कुल भी नहीं करूंगा। तो ये एक मैंने प्रैक्टिकल चीज़ आपको दिखा दी। अब मैं फर्टिलाइज़र की बात करूंगा फ्रेंड्स, कि ये प्लांट के अंदर मैं कौन सा फर्टिलाइज़र अप्लाई करता हूँ। तो कोई भी फर्टिलाइज़र
जो आप केमिकल हो या तो ऑर्गेनिक हो। केमिकल में अगर आप देना चाहते हो तो सबसे बेस्ट होगा बैलेंस एनपीके 19 वाला या तो 20 वाला, उसका स्प्रे करिए। जैसे कि देख रहे हैं इतने सारे फ्लावर्स मेरे विंकास के ऊपर लगे हुए हैं, तो कुछ ये हिसाब से आपके प्लांट के ऊपर भी ये फ्लावर्स लगना स्टार्ट हो जाएंगे। और अगर फ्रेंड्स आपके जो प्लांट ने हार्ड प्रूनिंग की है, तो हार्ड प्रूनिंग करने के बाद अगर आपके प्लांट के ऊपर सारे न्यू शूट्स और स्टेम्स डेवलप होना स्टार्ट हो जाए, तभी से फ्रेंड्स आप एनपीके बैलेंस एनपीके का स्प्रे कर सकते हो और वो प्लांट बहुत ही जल्दी और फास्ट ग्रोथ करना स्टार्ट कर लेगा। तो अबाउट एक महीने के अंदर अंदर फ्रेंड्स ये प्लांट के ऊपर बहुत सारी ब्रांचेस निकल सकेगी और बाद में आपका जो प्लांट है वो फ्लावरिंग्स भी देना शुरुआत कर लेगा। तो पूरे विंटर्स में ये बहुत ही अच्छी फ्लावरिंग्स दे सकता है। अब बहुत सारे व्यूअर्स फ्रेंड्स एक चीज़ मुझे पूछते हैं विंकास के रिलेटेड, विंकास के ऊपर फ्रेंड्स फंगस लग जाता है, यानी कि जो स्टेम होते हैं ये स्टेम के बीच में फ्रेंड्स फंगस लग जाता है, बीच में थोड़ा सा ब्लैकिश हो जाता है, तो वो एक फंगस होता है। तो उसके लिए आपको रेगुलरली विंकास के ऊपर फंगीसाइड के एप्लीकेशन करना होगा। जहाँ तक फ्रेंड्स मैं हाइब्रिड विंकास की बात करता हूँ, तो हाइब्रिड विंकास में ये इश्यू आपको बहुत ही ज़्यादा देखने को मिलेगा, क्योंकि हाइब्रिड विंकास थोड़े से डेलिकेट होते हैं इन कंपैरिजन टू देसी विंकास। अगर मैं आप मुझे पूछेंगे और मैं अगर आपको सजेस्ट करूंगा, तो हमेशा आप देसी विंकास को ज़्यादा प्रीफर करिए, क्योंकि देसी विंकास आपको बहुत ही अच्छी लंबी ग्रोथ देंगे और लंबे टाइम तक आपके यहाँ चलेंगे। सिर्फ आप इसको ऊपर फंगीसाइड का स्प्रे करते रहिए। फंगीसाइड का स्प्रे फ्रेंड्स हमने 10 दिन में एक बार करना है, आधा चम्मच जितना फंगीसाइड लेना है 1 लीटर पानी में मिक्स कर लीजिए और अच्छी तरह स्प्रे कर लीजिए। फंगीसाइड फ्रेंड्स बायवेस्टिन फंगीसाइड आता है, बाद में रिलैक्स फंगीसाइड आता है, साफ फंगीसाइड आता है, बहुत ही अलग अलग टाइप के फंगीसाइड आपको मार्केट में मिल जाएंगे। तो कोई भी एक फंगीसाइड पाउडर लाके आप अपने विंकास के ऊपर स्प्रे करते रहिए, जिसकी वजह से ये प्लांट के ऊपर कभी भी फंगस नहीं लगेगा। जैसे कि देख रहे हैं फ्रेंड्स ये मेरे विंकास के ऊपर न्यू शूट्स वगैरह डेवलप हो रही है नोड एरियाज के पास से, ये जो देख रहे हैं बहुत सारे फ्रेंड्स अभी ये जो विंका है हमारे बहुत ही अच्छे ग्रो हो सकेंगे। अगर आपके पास देसी विंकास हो तो आपको देखने की ज़रूरत नहीं है, ये इतने अच्छे ग्रो करेंगे। अब जहाँ तक फ्रेंड्स मैं जो एनपीके का स्प्रे के मैंने बताया था, फ्रेंड्स एनपीके का स्प्रे आप हफ्ते में एक बार अपने प्लांट के ऊपर ये लीव्स के ऊपर अच्छी तरह स्प्रे कर लीजिए। एवरी संडे टू संडे फ्रेंड्स बैलेंस एनपीके का स्प्रे कर लीजिए, इससे फ्रेंड्स ये प्लांट के ऊपर न्यूट्रिशंस उसको मिलते रहेंगे। ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स में फ्रेंड्स आप इसको काउडंग लिक्विड दे सकते हो या तो मस्टर्ड केक लिक्विड दे सकते हो, वो भी फ्रेंड्स हमें हफ्ते में एक ही बार देना है, उससे ज़्यादा भी देने की ज़रूरत नहीं है। अगर एक बार फ्रेंड्स ये प्लांट को आप हल्का सा फर्टिलाइजर नहीं भी दोगे तो भी ये प्लांट आपको बहुत ही अच्छा रिजल्ट देगा, लेकिन फर्टिलाइजर देने से फ्रेंड्स आपको रिजल्ट डबल मिल जाएगा। यानी कि अगर आपको मैक्सिमम फ्लावर्स चाहिए, लीव्स के कलर्स अच्छे चाहिए, तो आपको रिजल्ट डबल मिल जाएगा इन कंपैरिजन टू अगर आप इसको फर्टिलाइजर नहीं कर दोगे। तो ये चीज़ थोड़ी सी क्लियर कर लीजिए। तो वीकली बेसिस पे फ्रेंड्स काउडंग लिक्विड हमें डाइल्यूट करके देना है या तो मस्टर्ड केक लिक्विड हमें डाइल्यूट करके देना है। मस्टर्ड केक और काउडंग दोनों पे मेरी वीडियो बनी है, तो मैं दोनों का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। और जो बैलेंस एनपीके है वो हमें थोड़ा सा लेना है, 1 से 2 ग्राम जितना, यानी कि 2 चुटकी जितना आपको बैलेंस एनपीके लेना है 1 लीटर पानी में, और अच्छी तरह मिक्स करके आप अपने ये विंका के ऊपर स्प्रे कर सकते हो। तो इतनी कुछ ऐसी बेसिक चीज़ें हैं फ्रेंड्स जो आपको ध्यान रखनी है विंकास से रिलेटेड। अगर आपको किसी भी टाइप का कन्फ्यूजन हुआ फ्रेंड्स ये टॉपिक से रिलेटेड, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो, मैं आपको रिप्लाई दूंगा। टिल देन के लिए थैंक यू फ्रेंड्स।